जय हिंद दोस्तों, UDCR में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 के आज के फर्स्ट मुकाबले की, जो कि BCC और UCC के बीच खेला जाएगा। अभी दोस्तों आज एक नया मैच है, दोनों ही टीम नई है, ठीक है। अब इस वाले मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही नई टीम्स के वो कौन कौन से प्लेयर लेने हैं जो आपको इस वाले मैच के अंदर सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे के जाने वाले हैं, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। मैं मॉर्निंग से ही लगा था 6 बजे से सारा कुछ स्टडी कर रहा था। इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से प्लेयर उठाने हैं दोनों ही टीम्स से, और GL के लिए कितना इम्पॉर्टेंट मैच है ये। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, ठीक है। आपको पता है कि मेरी प्रिडिक्शन इतनी सटीक होती है, लाइनअप्स आने के बाद भी दोस्तों एक आधे चेंजेस ही होते हैं, ठीक है, वो भी एक आधे चेंजेस। बाकी अदर यूट्यूबर्स का अगर देखो तो 3-4-4-5-5-6-6 चेंजेस हो जाती है, ठीक है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जो आपको टीम दूंगा ना उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होंगे, केवल और केवल एक आधा या दो चेंज होंगे, ठीक है, उसके अलावा अदर वो भी नहीं होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से अपडेटेड रहना, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। जो जिनके पास भी टेलीग्राम ऐप नहीं है, पहले तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, देन वहाँ पे सर्च करना @UDCRA10। ये जैसे ही सर्च करोगे 44,300 के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको नज़र आ जाएगा। इंटरफेस कुछ इस तरीके से है हमारे चैनल का। ये चैनल दोस्तों आपके लिए बनाया गया है क्योंकि इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको टीम मिल सके, ठीक है। बाकी जो सबसे आसान तरीका है हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का, ये जो वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, इसके टाइटल पर क्लिक करना, देन डिस्क्रिप्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबको पता होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। जैसे ही टाइटल पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे आप इसी पेज पर आ जाओगे, देन यहां पे आने के बाद जहां पे मैंने सर्कल किया ये देखिए ब्रॉडकास्ट के बगल में, ठीक है, यहीं पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। तो क्लिक करके तो सबसे पहला काम आपको करना है ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो ब्लैक कलर पे सब्सक्राइब बटन होगा वहीं पे, उसे क्लिक करना और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करके अब स्टार्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले ना ओपन करेंगे, 3 घंटे 11 मिनट लेफ्ट है इस वाले मैच के अंदर। सो क्रिएट टीम पे चलेंगे, देन यहाँ से दोस्तों फिल्टर लगाएंगे BCC के साइड। अब इनके साइड से दोस्तों ग्रोवर, जो कि अमूमन 2 डाउन पे बैटिंग कराएंगे, बहुत अच्छे विकेट कीपर है, इसलिए 82.99 यानी कि 83% जनता ने इनको लिया हुआ है। जेब महमूद, साकिब मुख्तार, ये दोनों ओपनिंग पे आएंगे। जी सिंह दोस्तों 1 डाउन पे आएंगे, 2 डाउन पे इनके विकेट कीपर्स, ठीक है, जो कि ग्रोवर होंगे। तो चारों एक बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि बॉलिंग भी कराते हैं। अगर आपको ना पता हो, जी सिंह बॉलिंग कराते हैं, साकिब मुख्तार और जे महमूद भी बॉल कराते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें देन यहाँ पे एक ही प्लेयर आपको लेना है, भुयान। अब ये क्यों लेने दोस्तों, स्टैट्स इनके अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, बट मैंने जो स्टडी किए हैं उनके अंदर दोस्तों ये तो पूरा स्पेल करने वाले हैं। एक बाल के ओवर्स कटेंगे, ठीक है, ये माइंड में रखना आप। 2 पिक यहाँ से दोस्तों, एक तो फरहाद और वकार, ये 2 प्लेयर आपको लेने ही लेने हैं इस वाले टीम के अंदर। सो 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर BCC के साइड से। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसलिए शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेयर आपको होने चाहिए। अगर इनमें से अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है ना, तो साकिब मुख्तार को ड्रॉप करना और GL की एक टीम में कैप्टन बना देना इनको, ठीक है, रिस्की प्लेयर है, मेरे ट्रम्प कार्ड पिक बोल सकते हो। इसके अलावा UCC की अगर बात करें तो इनके विकेट कीपर दोस्तों, जो कि ये तो 1 डाउन पे ही बैटिंग कराने वाले हैं, ठीक है, ए सिंह इनका नाम है। बाकी इनकी बैटिंग के अंदर दोस्तों कोई खास ऑप्शन तो नहीं है, ए शर्मा है, बट वो GL वाले पिक है। हाईली रिस्की प्लेयर्स को मैं नहीं दूंगा आपको। नवाब दोस्तों काफ़ी टाइम से T10 खेल रहे हैं, पी बघेल है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको पूरा स्पेल बॉलिंग करके देने वाले हैं। 1 पिक दोस्तों इकबाल, अब इकबाल यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से 1 पिक बिंद्रा भी हैं, इसके अलावा सितार भी है, और अगर मैं आपको बताऊँ ना सो वानी, आर वानी भी है, बट इनके दोस्तों वही है ना, ये जो रिस्की प्लेयर है वो तो मैं आपको दे दूँगा, मैं तो कहूँगा कि ये शुक्ला को आप बना लो, बिंद्रा को आप बना लो, बट वही पॉइंट्स ही नहीं दे के जाएंगे तो फ़ायदा क्या है। सो यहाँ से केवल और केवल इकबाल। अब ये देखिए जो मैंने टीम बनाई है ना, इसके अंदर दोस्तों मैंने इनकी बैटिंग पोजीशन भी आपको बताई, कौन कितने ओवर बॉल करेगा वो भी मैंने बताया, 2 विकेट कीपर मैंने लिया है, 3 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स, ठीक है। ये सेम टीम आप चाहो तो माई मास्टर, एक कमेंट आया था कि भाई माई मास्टर की भी टीम दिया करो, तो अगर आप देख रहे होगे 3 बैटर्स है, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर, ये टीम आप लगा सकते हो। आपको पता होगा कि 3 बैटर्स इंपॉर्टेंट है, 3 बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, 1 विकेट कीपर, ठीक है, बाकी आप उलट फिर कर सकते हो माई मास्टर पर,
या अदर ऐप्स पे। ये पुराना फॉर्मेट है टीम बनाने का जो पहले था। ड्रीम इलेवन पे अब एक टीम से आप 10 प्लेयर ले सकते हो, है ना। बाकी सीबीसी की भी बात कर लेते हैं। तो सीबीसी के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम जे महमूद है, साकिब मुख्तार हैं, ठीक है, जी सिंह है, भुयान है, ठीक है। चार ऑप्शन मैंने बताए। पांचवा दोस्तों इनके नवाब, ठीक है। छठे दोस्तों पी बघेल। सातवें दोस्तों फरहाद। ये सात ऑप्शंस मैंने बताए जिनको आप जीएल में अलग अलग रोटेशन बना सकते हो, ठीक है। इस वाली टीम का अगर मैं बताऊँ तो भुयान और महमूद, नो डाउट आप साकिब मुख्तार को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे सी और वी सी सेव करेंगे। देन दोस्तों फाइनल टीम का प्रीव्यू आपने देख लिया, नहीं देखा देन ये देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर आपको फाइनल अपडेट दी जाएगी। साथ ही साथ जिन्होंने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास होती है, ठीक है। धन्यवाद।